है और केसीन है क्या बला कहां से आता है दोनों की दोनों दूध से बनते हैं आइसोलेटेड सोया प्रोटीन सोयाबीन से बनता है पौधे से बनता है ये दोनों वे और केसीन दोनों जो है दूध से बनते हैं दूध में 80 परसेंट केसीन और 20 परसेंट वे होता है तो ये जब आप पनीर बनाते हैं और महिलाएं शायद उसको ज्यादा समझेंगी कि जब आप घर में पनीर बनाते हैं या बाजार से भी पनीर लेकर आते हैं तो जो ऊपर का पार्ट है उसके अंदर केसीन सबसे ज्यादा होता है जो पनीर है और जो नीचे का पानी बच जाता है उसको जब ड्राई किया जाता है तो वो बनता है वे प्रोटीन दोनों ही मिल्क में से निकले हैं और एट्टी केसीन क्यों क्योंकि जाहिर है पनीर जब हम बनाते हैं तो पनीर हमेशा ज्यादा निकलता है पानी कम निकलता है तो पानी जो है वो वे है और पनीर जो है वो है केसीन इसीलिए बोला जाता है पनीर में प्रोटीन ज्यादा होता है पनीर खाना चाहिए कौन सा प्रोटीन ज्यादा होता है ये एक आम आदमी को नहीं पता लेकिन अब हमें पता है कौन सा प्रोटीन ज्यादा होता है केसीन ज्यादा होता है पनीर में सोए प्रोटीन नहीं होता है पनीर में तो अब पनीर खाना चाहिए क्योंकि इसमें केसीन है डाइजेस्टिबिलिटी पे तो दो चीजें जो हम बात कर रहे हैं अमाइनो एसिड्स कितने हैं और डाइजेस्टिबिलिटी कैसी है तो अब डाइजेस्टिबिलिटी समझते हैं वे प्रोटीन क्विक रिलीज ऑफ अमाइनो एसिड्स इन ब्लड स्ट्रीम आपने लिया और ऐसे रिलीज जो आप ये देख रहे हैं ना इमीडिएटली रिलीज करता है अमाइनो एसिड्स को आपके ब्लड स्ट्रीम में और रहता है आपके ब्लड स्ट्रीम में करीब दो तीन घंटे तक मतलब बहुत जल्दी तो ब्लड स्ट्रीम में प्रोटीन रिलीज करता है और बहुत जल्दी बॉडी से बाहर भी निकाल देता है केसीन बहुत धीरे रिलीज करता है और करीब करीब छह घंटे आपकी बॉडी में रहता है इसलिए अगर सोचिए आप अगर घर में सोचे कि पनीर बनाया उसका पानी पीजिएगा इमीडिएटली आपकी बॉडी में जाएगा ब्लड में घुलेगा और दो तीन घंटे में डाइजेस्ट होकर निकल जाएगा आप केसीन उसका ठोस पनीर जब आप खाते हैं आपको क्यों ऐसा लगता है कि बहुत देर तक पेट भरा हुआ है क्योंकि वो बहुत देर तक आपके ब्लड स्ट्रीम में रहता है इन दोनों के बीच में ये दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में है सोए प्रोटीन मॉडरेट रिलीज धीरे धीरे आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है और करीब चार घंटे तक आपकी ब्लड स्ट्रीम में रहता है अब जब हमने ये समझ लिया तीनों तरह के प्रोटीन में अलग अलग प्रोपोर्शन में अमाइनो एसिड्स तीनों तरह के प्रोटीन का डाइजेस्टिबिलिटी का टाइम अलग अलग तीनों का पीडी डी एक तो सबसे ज्यादा सेंसिबल क्या हो सकता था वो ये हो सकता था ये जैसे मैंने